हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम आपके साथ यहाँ साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी हमारे लिए एक ऐसा चैनल है जो आईसीएसई 10th और आईएससी 12th को स्पेशली फोकस करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, वो भी रिवीजन टाइम में, जितनी देर में आप रिवाइज कर पाएंगे उतनी देर में तो आपको पूरा कोर्स पढ़ा देंगे। डिटेल्ड थ्योरी, सारी डेरिवेशंस का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ सॉल्व कराएंगे हम। पेपर कैसे लिखना है वो लिखकर बताएंगे हम, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है पेपर का, किस तरह से क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना है पेपर में जिसमें मार्क्स मिलेंगे। हम कॉपी लिखना सिखाएंगे आपको, कोर्स सिखाएंगे आपको, प्रॉब्लम सिखाएंगे आपको। क्लास 12th चल रही है, रे ऑप्टिक्स चल रही है बच्चों, और इस रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हम करके आए हैं इससे पिछले लेक्चर में, आज उसी को कंटिन्यू करना है। बड़ा टॉपिक है, डेरिवेशंस में टाइम लगता है, हमारी लिमिट ज्यादा नहीं है, हम बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं बना रहे, छोटी छोटी क्लासेस दे रहे हैं, आप हंसते खेलते देख लें उसे, इसलिए दोबारा लेना है इस लेक्चर को। कारण क्या है कि हमने रेयरर टू डेंसर के डेरिवेशंस किए पर डेंसर टू रेयरर के डेरिवेशंस नहीं किए, तो आइए डेंसर टू रेयरर के डेरिवेशंस कर लें। स्फेरिकल सरफेस की कहानी याद है ना पूरी तरह से, जहां से रे आएगी वो n1, जहां रे जाएगी वो n2, कौन रेयरर कौन डेंसर पता नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। रे डायग्राम सोच के बनाना पड़ेगा, डायग्राम कुछ इस प्रकार का था, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ऐसी बन जाएगी तो कॉन्केव सरफेस हो जाएगी, सेंटर कर्वेचर आपको दिखाया गया था, सेम डायग्राम में फिर से आपके लिए दे रहा हूँ। इसके बाद अब इसे मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। देखिए केस बनेगा बेटा इस बार डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर के कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, कुछ खास नहीं भैया, डेंसर टू रेयर ही तो पढ़ना चाह रहे हो तो डेंसर टू रेयर पढ़ लो। तो सबसे पहले कौन सी सरफेस आएगी बेटा, आएगी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस आएगी। तो ले लीजिए साहब कॉन्वेक्स सरफेस, अपना काम हो गया, कॉन्वेक्स सरफेस आ गई, बढ़िया। क्या करते थे तो याद करो, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे, वी हैव ड्रॉन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद हम इसमें एक कॉन्वेक्स सरफेस बनाते हैं। कॉन्वेक्स सरफेस में ये पोल है, ठीक है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, n1 n2 से ज्यादा है, तो आप पीछे लिख दो तो फायदा रहेगा हमारे लिए, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। n1 n2 से ज्यादा है, तो सर आपने डेंसर को n1 क्यों नहीं लिखा, n2 क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा था डेंसर n1 और रेयर n2, ऐसा कोई सीन नहीं है, n1 जहां से रे आ रही है, n2 जहां रे जा रही है। अब केस हमारा बन रहा है डेंसर टू रेयर, मतलब जहां से रे आ रही है वो डेंसर है, जहां जा रही है वो रेयर है, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, इसलिए इस केस में हम n1 को बड़ा और n2 को छोटा ले रहे हैं। ये कन्वेंशन आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मानकर चलिए कहीं यहां ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट से क्या खेल करें, सब कुछ नहीं, रेज निकालें, कहां आएंगी रेज, ये आई रेज, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है सर, बहुत बढ़िया, अब जो इंसिडेंट रे है इस पर आपको ड्रॉ करना है नॉर्मल, तो आई होप ये बन गया है सुंदर, अच्छा नॉर्मल, ये नॉर्मल बना दिया आपने, जहां से नॉर्मल है वहां से इंसिडेंट रे के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दोगे। अब क्योंकि रे जा रही है डेंसर टू रेयरर, और डेंसर टू रेयरर में एक लॉ आपने सीखा है कि रे होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहां होती है बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल का क्या अर्थ है, अर्थ सीधा सा है कि रे ऐसे जानी थी, इधर मुड़ेगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल, ऊपर मुड़ेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इसे ऊपर मोड़ना है, साहब आपने इसे ऊपर मोड़ दिया,
ऊपर मुड़ा तो नॉर्मल से ये जो एंगल आएगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस रे को अगर हम बैक प्रोड्यूस कर दें तो ये बन जाएगी बेटा इमेज। ये इमेज तो रियल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी। सर कॉन्वेक्स सरफेस तो रियल इमेज बनाती थी, अभी वो रेयरर से डेंसर में बनाती थी, अब क्या है डेंसर से रेयरर। इसलिए कोई सरफेस कन्वर्जिंग नहीं, कोई सरफेस डाइवर्जिंग नहीं, डिपेंड करता है कि इधर और इधर के मीडियम क्या है, वो डिसाइड करेंगे कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होगा या कॉनकेव कन्वर्जिंग होगा। फिलहाल ये तो डाइवर्जिंग बन गया, ठीक है अच्छी बात। अब एक और बात याद करते हैं बेटा, जहां इंसिडेंस हो रहा था वहां से एक नॉर्मल डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मल डाला, इसे कहा एन, और ये बिंदु है एम, ठीक है ना, अच्छी चीज, बहुत बढ़िया। यहां से फिर वही पुराने एंगल्स अल्फा, इस वाले को बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले को गामा नाम देते हैं। एंड अगेन हम लोगों के पास अब जो आइडिया है वो ये है कि एनी हाउ हम लोग वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से कुछ अंदर के इंटीरियर एंगल्स देख लें, देयर आफ्टर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का इस्तेमाल करें। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कैसे लगाई जा सकती, तो मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत विचार करता हूं। देखिएगा ट्रायंगल MOC, मॉक टैन टैन, ये और ये ट्रायंगल है, तो ये ग्रीन वाली लाइन ऊपर जा रही है और ये जो डार्क येलो वाली लाइन है वो आ रही है MO। देखिएगा MO, ये इसमें ये और ये इंटीरियर एंगल है और इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर I है, तो हम यहां आपके सामने लिखते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए Using exterior angle theorem, exterior angle theorem use करो, तो सवाल है कहां use करो, in triangle MOC, तो आप कह रहे हैं कि alpha और gamma interior angle है और I exterior angle है, तो logically I की value आ जाएगी alpha plus gamma, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, दूसरा ट्रायंगल ढूंढें जिसमें R को रिलेट करना है, तो ट्रायंगल देखिएगा MIC, देखो बहुत ध्यान से MIC 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 ट्रायंगल दिख रहा है, ये। अब जो येलो वाली डॉटेड लाइन है, जब तुम इसे आगे बढ़ाओगे तो बोल्ड लाइन बन जाएगी। अबे रिफ्रैक्टेड रे को ही तो बैक पे प्रोड्यूस कर दिया था, जो रिफ्रैक्टेड रे थी उसे ही तो पीछे बढ़ाता है, बैक प्रोड्यूस किया था तभी तो डॉटेड लाइन आई थी। हां इसका मतलब इस ट्रायंगल की ये जो साइड है इसको बढ़ाने पर ये येलो लाइन मिलती है, और ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया ना आर, तो इंटीरियर है गामा, इंटीरियर है बीटा, एक्सटीरियर है आर, तो फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, गौर से देखो इन ट्रायंगल एमआईसी हम कहेंगे आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। तुरंत ही कोई बच्चा कहेगा इसमें तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नजर आ रहा है, तो जिसको भी दिखाई दे रहा हो तो देखिए यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और क्यों अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मेंशन करिए, सिंस रेज आर पैरेक्सियल अल्फा बीटा गामा आई एंड आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे छोटे, अब क्योंकि अल्फा बीटा गामा आई और आर बहुत छोटे हैं इस वजह से स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। लास्ट लेक्चर की कहानी आपको याद ही है कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा की जगह साइन थीटा लिख दो और साइन थीटा की जगह टैन थीटा लिख दो, सब बराबर, और क्योंकि सब बराबर तो आप इस तरह से विचार कर सकते हैं कि यार आई जो लिखा हुआ है इसकी जगह लिखा जा सकता है साइन आई, आई के बराबर, और ये वैल्यू किसके बराबर, सर अल्फा प्लस गामा के बराबर, आर की जगह लिखा जा सकता है साइन आर, और साइन आर किसके बराबर है बेटा, बीटा प्लस गामा के बराबर है। अच्छा इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड लगा दें, चलो बेटा डिवाइड लगाओ, डिवाइड लगाने पे क्या आएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस गामा, साइन आर बाय साइन आर, ये तो स्नेल्स लॉ है, इसका फॉर्मूला होता है n2 / n1, सर वेयर डेंसर सोचना है, नहीं सोचना है,
रेयरर टेंसर सोच के तो तुमने डायग्राम बनाया, खेल खत्म। n2 वो जहां रे जा रही है, n1 वो जहां से रे आ रही है, खेल खत्म। कन्वेंशन दूसरा है ही नहीं, समझे ना? रेयरर टेंसर तुम सोच चुके हो, तभी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूड मोड़ा था तुमने, ये सब काम। इसलिए इसे क्या लिखोगे बेटा, n2 होल डिवाइडेड बाय n1 इक्वल टू अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस गामा अगेन। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये n2 बीटा प्लस n2 गामा इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n1 गामा आएगा। बीटा पसंद नहीं आ रहा राइट में ले जाओ, गामा पसंद आ रहा है लेफ्ट में ले जाओ, भाई भाई है ना दोनों, तो साथ में चले जाएंगे। तो हमें दिखाई दिया लेफ्ट हैंड साइड पे n2 गामा माइनस n1 गामा इक्वल, देखो n1 अल्फा और माइनस n2 बीटा, बहुत बढ़िया। इसमें तो गामा कॉमन आ रहा है, तो गामा को कॉमन ले लीजिए, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। ये अब tan अल्फा tan बीटा tan गामा बनाना पड़ेगा, स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। तो अगर i और r छोटे हैं तो अल्फा बीटा गामा भी छोटे ही होंगे, और जब भी बेटा हमें पता है कि एंगल स्मॉल हो तो स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। क्या होता है कि जब भी थीटा छोटा हो तो थीटा sin थीटा tan थीटा बराबर होते हैं, यानी अल्फा sin अल्फा tan अल्फा बराबर है, गामा sin गामा tan गामा बराबर है, बीटा tan बीटा sin बीटा बराबर है जब एंगल छोटे हो। तो हम सेलेक्टिवली अपने लिए tan गामा इस्तेमाल कर रहे हैं, n1 tan अल्फा इस्तेमाल कर रहे हैं, n2 tan बीटा इस्तेमाल कर रहे हैं। tan गामा क्या है देखिएगा, गामा m n upon n c, ये आप लिखें इसे m n upon n c। tan अल्फा देखिए आप, तो आप लिख रहे हैं m n upon अल्फा, ये है पूरा ट्रायंगल, m n upon n o, m n upon n o, n2। tan beta देखिए, ये है tan beta, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये चीज है m n upon n i, m n m n m n cancel। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो n2 minus n1 upon n c equal to n1 upon n o minus n2 upon n i, यही तो बन रहा है। अब आप जानते हैं कि रेस पैरेक्सियल है, रेस पैरेक्सियल होने का मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये पॉइंट इतना दूर नहीं है, ये एक्चुअली इतना पास है, उसे हम दूर बना रहे ताकि डायग्राम आपको समझ में आ पाए। पर रेस अगर इतनी पास है, सच में रेस आर पैरेक्सियल, तो रेस इतनी पास है तो एंगल्स कितने छोटे हैं, तो अगर रेस सच में इतनी पास गिर रही तो उसका परपेंडिकुलर जो एन है वो तो पी के बिल्कुल बाजू में, पड़ोसी है उसका। इसका मतलब चाहे पी से नापो और चाहे एन से भाग बराबर, चाहे n से o चाहे p से o बात बराबर, चाहे n से i चाहे p से i बात बराबर। n2 minus n1 upon pc, सर pc क्या है? सर ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है सबको पता है यार, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, i की दूरी, mh की दूरी तो v है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो u है। और फिर हमें पता है ये बात कि यार यहां से राइट हैंड साइड हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे लिए नेगेटिव डायरेक्शन, तो भैया तुरंत ही आ जाइए, खेल ये है कि r लिखना है, तो हमने r लिखा, फिर वो n1 by po है उसे u लिखा, माइनस n2 by pi है इसे v लिखा। खेल ये है कि r राइट साइड में है, r तो हमारे लिए पॉजिटिव, अच्छा u लेफ्ट साइड में है, v भी लेफ्ट साइड में है, तो u भी मेरे लिए नेगेटिव है और v भी मेरे लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, एंड हेंस द फार्मूला बिकम्स n2 minus n1 upon r equal to n2 upon v minus n1 upon u। यानी इन फार्मूलाज में अगर हर बार साइन रखा जाएगा तो ये अंततः इसी ही रिजल्ट पे आ जाएंगे जिस रिजल्ट पे अभी ये दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए जब हमने रेयर से डेंसर किया था तो कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों में यही फॉर्मूला बना था, जब हम डेंसर से रेयर कर रहे हैं तो भी यही फॉर्मूला बन रहा है, इसका मतलब यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सरफेस चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, मीडियम चाहे डेंसर टू रेयर हो चाहे रेयर टू डेंसर हो, कुछ भी हो, मतलब r टू d, d टू r कुछ भी हो जाए,
डेंसर टू रेयर जा रही है और चाहे रेयर टू डेंसर आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तो यही काम कर रहा है। ये फॉर्मूला तब काम कर रहा है जब आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि n2 वो वाला मीडियम है जहां रे जा रही है और n1 वो मीडियम है जहां से रे आ रही है। अब वो रेयर हो डेंसर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बात है। तो ये डेंसर से रेयर में कॉन्वेक्स का केस हमने कर लिया, डेरिवेशन सेम है। आप इसको अगर एक को में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार खेल खत्म हो गया, सी फॉर्मेट को याद करना सारी डेरिवेशंस इससे हो जाएंगी। द नेक्स्ट इज फॉर कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव थोड़ी इज्जत बढ़ा देनी चाहिए, बच्चे से थोड़ा डरते हैं, रीजन ये है कि कॉनकेव थोड़ा खतरनाक टाइप दिखाई देता है हमेशा, तो इसका डायग्राम जो है थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, इसलिए कॉन्वेक्स करके छोड़ देते हैं, कॉनकेव से थोड़ा सा बचते हैं, लेकिन देखेंगे कि कितना आसान है कॉन्वेक्स भी, डिफिकल्ट नहीं है, है ना, कॉनकेव बनाते हैं। तो आई होप डायग्राम ऐसा दिखाई दे रहा है, और डायग्राम ऐसा है तो ये है पी, और फिर कहीं यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बाबूजी यहां कहीं आपका ऑब्जेक्ट, अच्छा ये जो मीडियम है ये n1 है और यहां जो मीडियम है ये n2 है, और आप कह रहे हैं कि n1 जो है वो n2 से बड़ा है, तभी तो पहले वाला रेयर और बाद वाला डेंसर बनेगा, जवाब यहां से यही होगा। ये तो अभी हमने सीखा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप यहां से एक रे गिराइए और जब ये रे इंसिडेंट हो जाए ऑब्जेक्ट से तो आप इसे प्यारा सा नाम दीजिए इंसिडेंट रे, और जब आप इसे इंसिडेंट रे नाम दे दें तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे निकालें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे निकाल दिया आपने, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे निकली इसे तो आप नॉर्मल नाम देते हैं, नॉर्मल से नापा गया एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब क्या होगा, अब रे जा रही है डेंसर से रेयर, अब रे जा रही है डेंसर से रेयर, तो यार ये तो अभी फिर तो नॉर्मल मोड नहीं, तो अगर ये ऊपर मुड़ी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, मतलब इसे नीचे मुड़ना है, तो अगर ये नीचे मुड़ी तो सर ये तो ऐसे चली जाएगी, अबे कॉनकेव कन्वर्जिंग हो गया, कॉनकेव तो डाइवर्जिंग होता था, हां कन्वर्जिंग ही हो गया, उसका कारण ये है कि रेयरर से डेंसर ना जाके डेंसर से रेयरर जा रही, मीडियम का टाइप चेंज हो गया है, तो नेचर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इन्वर्ट हो गए हैं। पिछली बार कॉन्वेक्स जो कि कन्वर्जिंग नेचर की सरफेस है वो डाइवर्जिंग हो गई, और कॉनकेव जो कि डाइवर्जिंग नेचर की सरफेस है कन्वर्जिंग हो गई, कारण हमने मीडियम्स एक्सचेंज कर दिए। ये इमेज बन गई, हल्का आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल डालिए, तो ये रहा बेटा आपका m और ये रहा बेटा आपका n, मेरे हिसाब से ये जो पूरा एंगल है इससे आप r नाम दे सकते हैं, इससे आप अल्फा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले को बीटा कहते हैं, इधर वाले को गामा कहते हैं, ठीक है अच्छी बात है, वही एक्सटीरियर एंगल्स ढूंढने हैं, एक्सटीरियर एंगल ढूंढेंगे काम चल जाएगा। मैं इस बार पूरा लिखूंगा नहीं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल्स एंड फलाने का, आप खुद सोचिएगा उसे कि बीटा एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और आई इंटीरियर एंगल, अगर ये ट्रायंगल देखें तो हम कहेंगे कि यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम द बीटा एंगल व्हिच इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, इस तरह से अल्फा की वैल्यू बीटा माइनस सॉरी आई की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा निकल कर आ जाएगी, आप इसे डब्बे में बंद करें काम की चीज है। दूसरा अगर हम एक्सटीरियर एंगल ढूंढें तो हमें दूसरा एक्सटीरियर एंगल जो है वो ये दिखेगा, ये ग्रीन वाली लाइन दिख रहे हैं यहां से ये सीएमआई जब ये ट्रायंगल आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बीटा और गामा इंटीरियर एंगल है और आर एक्सटीरियर एंगल है, यानी हमारे आर की वैल्यू जो है वो बीटा प्लस गामा के बराबर हो गई। तो कुछ खास मत करो, फिर से वही यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करो, जब तुम ये यूज करोगे आई की जगह क्या लिख दोगे बेटा, फिर से साइन आई, इसकी जगह क्या लिख रहे हो तुम बीटा माइनस अल्फा, और यहां क्या लिख रहे हो बेटा साइन आर जो कि है बीटा प्लस गामा, दोनों पे डिवाइड लगा दो तो क्या लिखोगे बेटा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर
सर ये तो स्नेल्स लॉ है, और स्नेल्स लॉ तो n2 अपॉन n1 है, पर ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो बन रही होगी बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है n2 बीटा प्लस n2 गामा इक्वल टू n1 बीटा माइनस n1 अल्फा। बीटा बीटा भाई भाई हैं, इन्हें एक तरफ ले जाना चाहिए, गामा को इस तरफ ले आना चाहिए, हमारे लिए n2 माइनस n1 टाइम्स बीटा ये बन रहा है। इधर आएगा तो माइनस n1 अल्फा माइनस n2 गामा, अरे दोनों माइनस हो गए, होने तो यार जो हो रहा है कोई परेशानी की बात नहीं, सब आंसर सही आता है। अब यहां से खेल बदलेगा और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की दूसरी विद्या चालू होगी। आई अगर छोटा था तो आर छोटा था, अल्फा बीटा गामा भी तो छोटे ही थे, तो यहां भी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आप दोबारा यूज करिए। आप देख पा रहे हैं कि हर बार टैन बीटा को टैन बीटा, अल्फा को टैन अल्फा, गामा को टैन गामा ही तो लिख रहे हो, कुछ और थोड़ी कर रहे हो। यही फॉर्मेट लगातार यूज करते जाइए और देखिए सुंदर आंसर आते जाएंगे हर केसेस के लिए। तो क्या करेंगे बेटा, n2 minus n1, tan beta की वैल्यू देखो जरा डायग्राम में, तो mn upon cn आ रही है, tan tan ये tan beta minus n1, tan alpha को देखो tan tan, तो क्या आ रहा है बेटा mn upon no n2 mn upon tan gamma देखो ये तो mn perpendicular और ni base, तो ni base। फिर से वही कहानी, mn से mn कट जाएगा और फिर से एक वही पुरानी कहानी आ जाएगी कि जहां जहां n है वहां p लिख दो। तो क्या लिखोगे, n2 minus n1 upon p c equal minus n1 upon po minus n2 upon pi। अब मैं छोटी बात बोलता हूं, ध्यान से मेरी सुनना अच्छी तरह से। कॉनकेव सरफेस है, सेंटर लेफ्ट में मिल रहा है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो देखो सेंटर लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, यानी r और u नेगेटिव है, पर इमेज राइट में है तो वो पॉजिटिव। इस वजह से आप क्या लिखते हो, pc का मतलब हो गया माइनस r माइनस n1, po का मतलब हो गया बेटा माइनस u माइनस n2, pi का मतलब हो गया v, और v पॉजिटिव है, खेल खत्म। यार मेरे पास यहां माइनस नहीं आता था, अगर वो माइनस नहीं आता था तो n2 minus n1 upon minus r लिखिए, और सामने लिखिए n1 by u minus n2 by v, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करिए। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला माइनस बन जाएगा प्लस, और यहां माइनस का मल्टीप्लाई राइट साइड में करेंगे तो n2 वाला टर्म जो है वो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा और n1 वाला टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी सी कैन सी फार्मूला फिर से एक बार वही है, इस फॉर्मूले में कभी 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 कोई चेंज नहीं आएगा। बस आप ये दिमाग में रख लीजिए कि आने वाले जो मीडियम है, इंसिडेंट मीडियम n1 है और रिफ्रैक्शन वाला मीडियम n2 है, अगर ये बात दिमाग में है तो फिर ये फॉर्मूला हमेशा है। और ये डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखाया, क्या सोच कर रहे मुड़ते हैं, कैसे अल्फा बीटा गामा लेते हैं, आई और आर कैसे मार्क करते हैं, एक्सटीरियर एंगल कैसे लिखते हैं, किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, साइन कहां पर पुट करने हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चार पांच डेरिवेशंस दिखा डाले। अब इनमें से कोई भी आ जाए आपके लिए मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां डेवलप किया। अब अगर ये बातें हो चुकी तो हो गया भाई खेल खत्म। आइए इसके एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा देता हूं, देर आफ्टर हम अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे। फिर से वही कल वाले न्यूमेरिकल्स हैं, आप एक बार फिर से देखिए। सरफेस इस तरह दी गई है, जैसे कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर का दिया गया है, यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है उसे हम 40 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं, और पूछा जा रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो आपको पता है कि पोल से आप राइट हैंड साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए और लेफ्ट की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लीजिए। अब इसे डेटा कलेक्ट करिए, डेटा कलेक्ट करेंगे तो यू की वैल्यू तो आपको 40 सेंटीमीटर नजर आ रही है, पर क्योंकि यू नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट साइड में, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बेटा क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर दिया है, अब क्योंकि इसका कॉन्वेक्स सरफेस है तो सरफेस राइट में सेंटर मिलेगा, इसलिए आर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ठीक।
राइट में सेंटर तो पॉजिटिव और लेफ्ट में सेंटर तो नेगेटिव। अब बेटा आप N1 देखें और N2 देखें। N2 की वैल्यू 1 है क्योंकि यहां रे जाएगी, N1 वाले मीडियम से रे आ रही है, तो N1 की वैल्यू जो है वो 3/2 है। V निकालना है, फार्मूला बेटा अप्लाई करिए, क्या लिखेंगे, N2 minus N1 upon R equal to N2 by V minus N1 by U। N2 कितना है 1, ये है 3/2, और बच्चों इसके साथ 1 upon R। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, कई बच्चे एलसीएम लेने के टाइम पर गलती कर देते हैं, तो जब भी कभी इस तरह का सीन बने, फ्रैक्शन बन जाए ऊपर, तो बाहर वाली चीज को बाहर निकाल के, नीचे वाली चीज को बाहर निकाल के ब्रैकेट लगा दें, आंसर लाने में गड़बड़ी नहीं होती। 1 by V minus 3 by 2 और ये तो 1 by U हो गया। अब वैल्यूज पुट करें, R की वैल्यू है बेटा प्लस का 40, और 1 में से 1.5 जाएगा तो माइनस का 1 by 2 बचेगा, 1 by V minus 3 by 2, U की वैल्यू देखें तो माइनस का 40 है, this is minus 40, minus minus plus हो गया, ये बना बेटा माइनस का 1/80 इक्वल टू 1/V, और इसे देखें तो ये बन गया बेटा 3/80। कुछ खास नहीं है, v को अकेला कर लीजिए, 1/V इक्वल टू माइनस का 1/80 और फिर ये माइनस का 3/80, ये हुआ 80, ये रहा माइनस 1 और ये रहा माइनस 3, तो लॉजिकली आंसर आ रहा है -4/80। सर ये तो -1/20 है, तो v की वैल्यू बचा -20 सेंटीमीटर है। माइनस आने का मतलब ऑब्जेक्ट की साइड में इमेज बन रही है, जब भी इमेज ऑब्जेक्ट के साइड में बनेगी तो लॉजिकली वो वर्चुअल एरेक्ट ही होगी, रियल तो हो नहीं सकती, तो वर्चुअल एरेक्ट है। ठीक, तो ये आपके लिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का एक एग्जॉस्टिव लेक्चर कॉम्बो था, दो लेक्चर्स का। इसमें हम लोगों ने चित्रकारी देखी, फिर डेरिवेशंस देखी, जो डेरिवेशन कोर है आती है पेपर में 4 नंबर में, इसके बाद देखें शानदार दूसरी डेरिवेशन देखी और प्रोटोटाइप बनाया क्वेश्चन का कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, देयर आफ्टर सन्नाटा। अब इसके प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, जो कुछ भी आप कहें उसे हम करेंगे उसको अगले लेक्चर्स में। इसके बाद हम लेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चंस कहीं जाएंगे नहीं, हम लगाएंगे यहां पर, पर अभी हम लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स को डील कर रहे हैं, डेरिवेशंस देखते जा रहे हैं, 4-5 टॉपिक्स इकट्ठा कर लें, उनकी डेरिवेशंस की थ्योरी सीख लें, उसके बाद हम 4-5 टॉपिक्स के सीरियल में क्वेश्चंस और फिर थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इसके कुछ भी नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए कि हम पहले थ्योरी आपको सिखा रहे हैं और 4-5 टॉपिक की थ्योरी सिखाने के बाद उनके न्यूमेरिकल्स लाइन से हम लोग लेक्चर सीरीज डालेंगे उसकी। स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सिडी पीसीएमबी को फॉलो करिए, यहां पर हम आईसीएसई 10th और आईएससी 12th को फॉलो कर रहे हैं, इन्हें टारगेट कर रहे हैं। ये बच्चे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को, कोई कंपटीशन नहीं, हम बोर्ड एग्जामिनेशंस को फॉलो कर रहे हैं, लिखना सिखाएंगे पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स और उसके बाद इन सारे टॉपिक्स के एक क्लब करके एक बढ़िया लेक्चर बनाएंगे, बड़ा सा लेक्चर बनाएंगे जो सिर्फ प्रॉब्लम को डील करेगा। मिलेंगे अगले लेक्चर।